रीजनिंग क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आपका स्वागत है। एनालॉजी टेस्ट सादृश्य परीक्षा। जिस सादृश्य प्रश्न में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उपकरण एवं उनके उपयोग। जिस प्रकार सुई से सिलाई, उसी प्रकार पेचकस से क्या किया जाता है? दाढ़ी बनाया जा सकता है, पेचकस करना, लिखना, काटना, इनमें से कोई नहीं। तो पेचकस से हम लोग क्या करते हैं? तो आप जानते हैं पेचकस से हम लोग पेच कसते हैं, ठीक है। निम्नलिखित उपकरण और उनके उपयोग दिए हुए हैं। हथौड़ा, हथौड़ा कील गाड़ना, कैंची काटना, फावड़ा खुदाई, चौक से लिखना, पेचकस से पेच कसना, रबड़ से बांधना, मिटाना, उस तरह से दाढ़ी बनाना, ढाल बचाव, स्पैनिंग ग्रिप, स्लाइडर गार्ड, कुल्हाड़ी काटना, सुई सिलाई करना, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तु को देखना, छुरी से काटना, स्पून से फीड, सुनवल से स्कून, तलवार से बध करना, बंदूक से गोली चलाना, दूरबीन से देखना, खेल और अब तलवार से वध करना, बंदूक से गोली चलाना, दूरबीन से देखना, सूक्ष्मदर्शी से वस्तु को देखना, सूक्ष्म उसके बाद देखेंगे बंदूक से गोली चलाना, सूक्ष्मदर्शी से देखना। अब हम लोग 8 नंबर पढ़ेंगे, खेल और उनके खिलाड़ियों, खेले जाने वाले स्थल। जिस प्रकार क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, टेनिस निम्न से किससे खेलता है? रिंग, मैदान, कोर्ट, व्यायामशाला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्रिकेट पिच में खेला जाता है तो टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण खेल और उनके स्थान दिए गए हैं, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच, व्यायामशाला, व्यायाम, टेनिस कोर्ट, स्केटिंग रिंग, धावक स्टेडियम, रेसिंग ट्रैक, हॉकी मैदान, बॉक्सिंग रिंग, रेसलिंग एरिना, रेसलिंग का एरिना होता है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर है आपका, उत्पाद और उनका कच्चा माल। जिस प्रकार शराब अंगूर से संबंधित है, उसी प्रकार जूता किससे संबंधित है? सोना, रबड़, चमड़ा, लुगुद्दी, इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार शराब अंगूर से प्राप्त होता है, उसी प्रकार जूता चमड़े से प्राप्त किया जाता है। अब आता है आपका, निम्नलिखित उत्पाद और उनके कच्चे माल दिए हुए, जैसे चीनी, गन्ना, आभूषण, सोना, किताब, कागज, दीवार, ईंट, कागज, लुगुद्दी, लिनेक्स, फ्लक्स, धातु, अयस्क, फर्नीचर, लकड़ी, ऊन, भेड़, कपड़ा, धागा, तेल, तिलहन, रबड़, लेटेक्स, तेल, तिलहन, रबड़, लेटेक्स, आमलेट, अंडा, जूता, शराब, जूता, चमड़ा, सड़क, गिट्टी, शराब, अंगूर, मक्खन, दूध, प्रिज्म, शीशा, प्रिज्म का शीशा होगा, है ना। अब हम लोग 10 नंबर पर आते हैं, शब्द युग में जिस प्रकार जूता मोजा से संबंधित, उस तरह शर्ट किससे संबंधित है? पैंट, कपड़ा, दास्ताना, मोजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है, जिस प्रकार जूता मोजा से संबंधित है, तो शर्ट पैंट से संबंधित है। निम्नलिखित शब्द युग में दिए हुए शब्द युग में आगे जैसे प्रश्न उत्तर, दरवाजा, खिड़की, ताला, चाबी, घोड़ा, गाड़ी, पेंसिल, इरेजर, कुर्सी, टेबल, कप, प्लेट, साड़ी, ब्लाउज, शर्ट पैंट, जूता, मोजा, शर्ट पैंट, जूता, मोजा, है ना। अब हम कल वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग को एनालोगस टेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको जो सुझाव देना है वो कमेंट बॉक्स पे दिया करें। आपके सुझाव हमें बेटर बनाते हैं, और जो सवाल पूछने हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।